नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है जैसलमेर स्पेशल, जिसमें राजस्थान की सबसे बड़े जैसलमेर से संबंधित जानकारी आपको दी जाएगी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस जानकारी को हम आपको विस्तार से देने से पहले, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और अपडेट रहें नई नई जानकारियों से। अब आपको बताते हैं विस्तार से जैसलमेर के बारे में। जैसलमेर का राज्य है राजस्थान, जिला जैसलमेर, स्थापना 1178 ईस्वी में हुई। इसका उपनाम है स्वर्ण नगरी। जनसंख्या 672008, लिंगानुपात 849 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। क्षेत्रफल 16062 वर्ग मील। विधानसभा सीट 2, तहसीलों की संख्या 3, गांवों की संख्या 801, होटलों की संख्या 180, साक्षरता दर 58.04%। संस्थापक रावल जैसल भाटी। राजस्थान में विलय 30 मार्च 1949 को। अंतिम राजा रावल जवाहर सिंह। वर्तमान सांसद कर्नल सोनाराम। वर्तमान विधायक छोटू सिंह भाटी। पिन कोड नंबर 34501। दूरभाष कोड 2992। परिवहन कोड RJ15। रेलवे स्टेशन जैसलमेर जंक्शन। एयरपोर्ट जैसलमेर एयरपोर्ट। बस अड्डा जैसलमेर बस स्टेशन। विकास दर 24.39%। आगे है जैसलमेर का इतिहास। राजस्थान का सबसे बड़ा और भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। इसकी स्थापना यदुवंशी भाटी वंश के रावल जैसल ने 1178 ईस्वी यानी कि 12वीं शताब्दी में की। संकरी गलियां और ऊंचे ऊंचे भवन आज भी मध्यकालीन राजशाही की याद दिलाते हैं। जैसलमेर सिटी बहुत ही कम जगह में फैली होने के कारण सैलानी पैदल ही घूम सकते हैं। इतिहास की नज़र से देखें तो जैसलमेर राज्य पर खिलजी, राठौर, मुगल, तुगलक आदि ने कई बार आक्रमण किया। इसके बावजूद भी शाही भवन राजपूत शैली के सच्चे घोतक हैं। जुटालिक चट्टानों के अवशेष इस बात का परिणाम है कि इस भूभाग पर भी कभी समुद्र था। हालांकि जैसलमेर के क्षेत्र पर किसी प्रकार का कोई उत्खनन नहीं हुआ है, परंतु इसके पश्चिम में मोहनजोदड़ो और उत्तर में कालीबंगा व पूर्व में सरस्वती नदी के उत्खनन ने स्पष्ट कर दिया है कि निसंदेह है इस क्षेत्र में आदि मानव का अस्तित्व रहा होगा। रामायण काल में भी मरुभूमि नामक जनपद की व्याख्या की गई है और महाभारत में भी वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से जब द्वारिका जा रहे थे तो रास्ते में धूल कांट और बालू वाले रेगिस्तान से गुजरे थे। हो सकता है ये वही क्षेत्र हो। भौगोलिक स्वरूप। जैसलमेर विशाल मरुस्थल का एक बड़ा भाग है। भारतीय गणतंत्र में विलीनीकरण के समय इसका भौगोलिक क्षेत्र 16062 वर्ग मील के विस्तृत भूभाग पर फैला हुआ था। जिले की विषम परिस्थितियां होने के कारण सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों में पहले नंबर पर है। इसकी कुल जनसंख्या 672008 है। सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी जैसलमेर ही है, जो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मानचित्र में जैसलमेर उत्तर में 26°92 और पूर्व में 70°9 है। इसकी पश्चिमी उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है और उत्तर पूर्व में बीकानेर, दक्षिण में बाड़मेर और पूर्व में जोधपुर जिले से सीमा लगती है। विशाल रेगिस्तान का भूभाग होने के कारण यह भाग सूखा, रेतीला तथा पानी की कमी वाला भूभाग है। विभिन्न आकार और प्रकार के बालू के रेतीले टिल्ले विशाल सागर से दिखाई देते हैं। यहाँ पर स्थायी और अस्थायी रेत के टिल्ले हैं, जो तेज आंधी और हवा के साथ अपना स्थान एक जगह से दूसरे स्थान पर बदलते रहते हैं। इन रेतीले टिल्लों के बीच कहीं कहीं पर पहाड़ और पहाड़ियाँ भी हैं। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। ज्वार और बाजरा यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। गाय, बकरी, भेड़ और ऊंट का प्रजनन बड़े पैमाने पर होता है। चूना पत्थर, मुल्तानी मिट्टी और जिप्सम का खनन होता है। जैसलमेर का संपूर्ण भाग रेतीला और पथरीला होने के कारण यहाँ का तापमान मई जून में 48 डिग्री सेंटीग्रेड तथा दिसंबर जनवरी में
न्यूनतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। संपूर्ण जिले में कोई भी जल का स्थायी स्रोत नहीं है। वर्षा होने पर स्थानीय नागरिक बारिश के पानी को टांकों, नाड़ियों, तालाबों आदि में एकत्र कर लेते हैं और वर्ष भर इसी पानी का उपयोग करते हैं। जैसलमेर के लोक देवता और देवियां, बाबा रामदेव जी, यह राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हैं। 15वीं शताब्दी में आरंभ में लूट खसोट, छुआछूत, हिंदू मुस्लिम झगड़ों के कारण अराजकता फैल रही थी। उस समय भैरव नामक राक्षस का आतंक था। ऐसे विकट समय में रामदेव का जन्म उड़ू कश्मीर में हुआ। उन्होंने सामाजिक बुराइयों और भैरव राक्षस का अंत किया। इनकी समाधि रामदेव जैसलमेर में है। आगे है तनोट राय अर्थात तनोट माता। तनोट राय का मंदिर तनोट जैसलमेर में है। भाटी राजपूत नरेश तनु राव ने विक्रमी संवत 828 में तनोट राय का मंदिर बनाकर मूर्ति स्थापित की। यहाँ की मान्यता है कि भारत पाक युद्ध सितंबर 1965 में पाकिस्तान की सेना ने मंदिर पर बम फेंके, जो माँ की कृपया से एक भी नहीं फटा और आज भी सुरक्षित है। वहाँ इस कारण BSF और स्थानीय नागरिकों की काफी श्रद्धा है। आगे है भादरिया राय। जैसलमेर से 80 किलोमीटर जोधपुर रोड धोलिया गांव में 10 किलोमीटर उत्तर की ओर है। उक्त स्थान पर भादरिया नाम के राजपूत की पुत्री के रूप में आवड़ माता अवतरिया हुई, जो बाद में भादरिया माता के रूप में प्रसिद्ध हुई। यह प्रेसिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय बना हुआ है। यहाँ पर स्थित गौशाला में 10,000 गायों के करीब गाय हैं। आगे है काले डूंगर राय। यह मंदिर जैसलमेर शहर से 45 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, एक पहाड़ी की चोटी पर है। इस पहाड़ी का रंग काला होने के कारण इस मंदिर को काले डूंगर राय के नाम से जाना जाता है। आगे है कला एवं संस्कृति। चित्रकला 18वीं-19वीं सदी में बनी हवेलिया तो स्थापत्य कला की बेजोड़ मिसाल है। इनमें बने भित्ति चित्र बहुत ही सुंदर है। जैसलमेर में चित्रकला के निर्माण सचित्र ग्रंथों की नकल एवं प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों के संरक्षण में जितना योगदान है उतना किसी अन्य स्थान का नहीं। जब आक्रमणकारी भारतीय स्थापत्य कला व पांडुलिपियों को नष्ट कर रहे थे, उस समय भारत के सुदूर मरुस्थलीय पश्चिमांचल में जैसलमेर का त्रिकुटाकार दुर्ग उनकी सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण था। इसीलिए संभवत गुजरात, अयोध्यापुर एवं राजस्थान के अन्य भागों से प्राचीन साहित्य कला की सामग्री को किले के जैन मंदिरों ने तलघरों में सुरक्षित रखा गया था। कसीदाकारी। जैसलमेर में गांवों में महिलाओं द्वारा कसीदाकारी का कार्य बड़ी बारीकी से किया जाता है। ये कार्य पुश्तैनी कार्य है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। पहले तो इस कार्य को केवल पहनने के लिए ही किया जाता था, पर समय के साथ साथ एक व्यापार का रूप ले लिया है। इस प्रकार के कपड़े की मांग विदेशों में अधिक है। भाषा। जैसलमेर के कुछ भागों में मारवाड़ी भाषा बोली जाती है तथा मुख्यतः इस क्षेत्र में थली या थार के रेगिस्तान की भाषा बोली जाती है। स्थापत्य कला। जैसलमेर में स्थापत्य कला का उदय किले के निर्माण के समय हुआ और निरंतर चलता रहा। यहाँ के स्थापत्य को व्यक्तिगत और राज्य के दोनों प्रकार का आश्रय मिला। इस क्षेत्र के स्थापत्य की अभिव्यक्ति यहाँ के किलों, मंदिरों, गढ़ियों, राजभवनों, हवेलियों, जलाशयों, छतरियों और जनसाधारण के उपयोग में लाए जाने वाले मकानों से होती है। ये दुर्ग 1000 वर्षों के इतिहास के मुख्य दर्शक गवाह है। दुर्ग निर्माण में सुंदरता से अधिक महत्व मजबूती को दिया गया। दुर्ग में एक से अधिक प्रवेश द्वार होते थे। प्रत्येक दुर्ग में 4 या अधिक बुर्ज होते थे जो दुर्ग को मजबूती प्रदान करते थे। उस समय की स्थापत्य कला का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि तब के बनाए अब भी उसी रूप में खड़े हैं। साहित्य। मरुसंस्कृति का प्रतीक जैसलमेर कला एवं साहित्य का प्रतीक रहा है। यहाँ पर जैन ग्रंथों के अलावा कुछ जैन साहित्य की भी रचना हुई, जिसमें काव्य, व्याकरण, नाटक, श्रृंगार, सांख्य मीमांसा, न्याय, आयुर्वेद, योग आदि विषयों पर उत्कृष्ट रचनाओं का प्रमुख केंद्र रहा। संगीत। लोक संगीत की दृष्टि से जैसलमेर का विशिष्ट स्थान रहा है। यहाँ के शुष्क भूभाग पर मन को बहलाने हेतु अत्यंत ही सरस और भवप्रद गीतों की रचना की। इन गीतों में लोक गाथाओं, कथाओं, पहेलियों, सुभाषित काव्य के साथ साथ वर्षा, सावन आदि सामाजिक भावनाओं से ओतप्रोत है।
आगे है जैसलमेर के प्रमुख पर्यटन स्थान सोनार किला। यहाँ का सोनार किला राजस्थान के श्रेष्ठ धानवन दुर्गों में गिना जाता है। जैसलमेर के किले का निर्माण 1156 ईस्वी में किया गया था और यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला है। 250 फीट ऊंचा और सैंडस्टोन के विशाल खंडों से निर्मित 30 फीट ऊंची दीवार वाले इस 99 प्राचीर है, जिसमें से 92 का निर्माण 1633 में और 1647 के बीच किया गया था। इस किले के अंदर मौजूद कुएं का पानी निरंतर स्रोत उपलब्ध कराता था। रावल जैसल द्वारा निर्धारित निर्मित यह दुर्ग जो 80 मीटर ऊंची त्रिकुट पहाड़ी पर है, इसके महलों की बाहरी दीवारों, घर और मंदिर पीले सैंडस्टोन से बने हैं। इनकी संकरी गलियों और विशाल प्रवेश द्वार, जिसमें से अंतिम एक प्रवेश द्वार मुख्य चौक में आता है, यहाँ पर महारावल का पुराना महल है। इस मोहल्ले की लगभग 1/4 आबादी इसी किले के अंदर रहती है। यहाँ पर गणेश पोल, सूरज पोल, भूत पोल और हव पोल के जरिए पहुँचा जा सकता है। यहाँ पर अनेक हवेलियाँ और जैन मंदिर के समूह हैं जो 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच बनाए गए थे। आगे है सालिम सिंह की हवेली। बेहतरीन शिल्पकला का नमूना दर्शाती ये हवेली जैसलमेर किले सोनार किले के निकट पहाड़ियों के पास है। इसकी छत को मोर के आकार में डिजाइन किया गया है, जबकि हवेली के मुख्य द्वार पर एक विशालकाय हाथी की प्रतिमा एक द्वारपाल की भांति खड़ी है। हवेली के भीतर 38 बालकनी है। हवेली को सामने से देखने पर एक जहाज की तरह दिखता है, इस कारण कुछ लोग इसको जहाज महल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है पट्टुओं की हवेलियाँ। पट्टुओं की हवेलियाँ जैसलमेर में स्थित अन्य हवेलियों में अपना अलग ही महत्व रखती हैं। पत्थर से बनी इस हवेलियों के किनारों को सुनहरे रंगों से रंगा गया है। इन हवेलियों को पटवा भाइयों द्वारा 1800 से 1860 के मध्य बनाया गया था, जो गहनों के व्यापारी थे। वर्तमान में इसे पटवा स्टाइल के फर्नीचर व साज सजावट से सजाया गया है, जो पर्यटकों को पट्टुओं के रहन सहन की झलक दिखलाता है। नेक्स्ट है कैमल सफारी। जैसलमेर का वह स्थान जहाँ पर देसी विदेशी पर्यटकों को राजस्थान की शाही सवारी यानी ऊंट की सवारी का आनंद का अनुभव करता है। ऊंट अपनी पीठ पर बिठाकर पास ही गांव तक सैर के लिए ले जाता है, जहां पर्यटकों को राजस्थानी जीवन शैली के दर्शन होते हैं और रास्ते में लोक नृत्य और लोक नृत्यों की झांकियां भी देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है डेजर्ट कल्चर सेंटर और म्यूजियम। यह राजस्थान व जैसलमेर की संपन्न संस्कृति को दर्शाता है। इस संग्रहालय में कई तरह के पारंपरिक यंत्र, प्राचीन एवं मध्य युग के सिक्के, खूबसूरत पारंपरिक टेक्सटाइल व कई बेसकीमती चीजों को संग्रहित किया गया है। अन्य दर्शनीय स्थल मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, गड़ीसर तालाब, बादल बिलास, अमर सागर, टीला की पोल आदि। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जैसलमेर स्पेशल, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको हमारा ये टॉपिक कैसा लगा ये हमें आप कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।